दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जिसके अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकले थे। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगे? बेटा, अभी तो आज ही आप अंडों से निकले हैं, अभी आपके पंख छोटे हैं। जब आपके पंख बड़े होंगे तो फिर ही आप उड़ सकोगे। मैं भाई से पहले उड़ना सीख लूंगी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा रहता था, जो जंगल जंगल घूम कर देखता और किसी कमजोर, लाचार और बूढ़े पक्षी की खबर पहाड़ों पर रहने वाली बूढ़ी चील को देता। मिल गई, मुझे एक बूढ़ी कौवी मिल गई। मैं अभी जाकर चील चाची को बताता हूँ। कौवा भागा भागा चील चाची के पास जाता है। चील चाची, बरगद के बड़े पेड़ पर बैठी बूढ़ी कौवी आपका इंतजार कर रही है, जाइए और आसानी से उसे अपना भोजन बना लें। कौवे, तुम बहुत वफादार हो, जो मेरा पेट भरने के लिए अपनी जाति की कौवी को ही मेरा भोजन बना रहे हो। चील चाची, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा तो फिर ही आप मेरा पेट भरेंगी। फिर चील चाची दानों से भरी हुई एक थैली कौवे की तरफ फेंक देती है, जिसे कौवा अपनी चोंच में उठाकर अपने घर चला जाता है। बूढ़ी चील बरगद के पेड़ पर जाती है और बहुत आसानी से बूढ़ी कौवी को उठाकर ले आती है। अगर तुम मुझे खाओगी तो जलकर मरोगी, मुझे बूढ़ी का शराब है तुम्हें। पहले तुम अपनी खैर मनाओ, बाकी जो होगा मैं बाद में देख लूंगी। चील बूढ़ी कौवी को आग पर भून कर खा लेती है। कालू जी, आज चील चाची को कौन सा शिकार ढूंढ कर दिया? बरगद के पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी कौवी। कालू, वो बूढ़ी कौवी माँ तो मेरी माँ की सहेली थी। तुम्हारी माँ की सहेली थी? माँ तो नहीं थी ना? मुझे तो डर है कि तुम चील चाची से भोजन लेने के लिए मुझे भी चील का भोजन बना सकते हो। एक दिन कौवा सुबह से उड़ता हुआ घूम फिर रहा था, मगर उसे कोई भी आसान शिकार अभी तक नहीं मिला था। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे अपने घर के सामने चिड़िया के दो बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। कौवा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था कि उन बच्चों की माँ चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। चिड़िया कौवे की तरफ देखती है। बेशरम, कैसे मेरे बच्चों की तरफ घूर घूर कर देख रहा है? चलो बच्चों, घर के अंदर आ जाओ और दाना खा लो। चिड़िया अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब तो ये चिड़िया के छोटे बच्चे ही चील चाची का भोजन बनेंगे। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, क्या बात है? मुझे चील चाची ने भेजा है, वो बहुत खुश है कि आपके अंडों से दो बच्चे निकले हैं। शुक्रिया कौवे भैया, आपने मुझे ये बात बताई। इसलिए तो चील चाची ने आपको और आपके बच्चों को दावत पर बुलाया है। चील चाची ने आपके बच्चों की खुशी में एक दावत रखी है, मैं उसी का आमंत्रण देने आया था। कब दावत रखी है चील चाची ने? कल शाम 5 बजे तुम मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ऑटो में बिठा कर चील चाची के घर ले जाऊंगा। ठीक है, आप कल आ जाना। कौवा चला जाता है। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था, उस चील की नजर है मेरे बच्चों पर। उस दुष्ट कौवे ने चील को मेरे बच्चों के बारे में बता दिया है। मम्मा, क्या अब चील हमें खा लेगी? नहीं बेटा, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मम्मा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चील किसी और के बच्चों को खा लेगी, हमें उस चील को ही ख़त्म करना होगा। अपनी बेटी की बात मम्मा चिड़िया को बहुत अजीब लगती है। गुड़िया बेटी, वो चील बहुत शक्तिशाली है, वो बूढ़ी है मगर हमसे फिर भी ताकतवर है। मम्मा, अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी है, सुना तो यही है। तो आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी।
चिड़िया अपनी बेटी की बातों से बहुत हैरान थी। मम्मा चिड़िया सारी रात डरती रहती है। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा जैसे जैसे मैं कहूँ आपने वैसे ही करना है, बेटी कोई गड़बड़ ना हो जाए। मम्मा कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से एक देगची खिचड़ी की बनाइए। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए यूट्यूब सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया खिचड़ी बनाने लगती है और दोनों बच्चे अगला प्लान तैयार करने लगते हैं। कौवे जाओ और बुला कर ले आओ चिड़िया और उसके बच्चों को, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चील चाची थोड़ा इंतजार करें, शिकार खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। पहले आप नरम नरम चिड़िया के बच्चे खाना और फिर बाद में चिड़िया का शोरबा बना लेना या फिर भून कर खा लेना। कौवा चिड़िया को बुलाने जाता है। मम्मा याद है ना कौवे से क्या बात करनी है? हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। कौवा भी आ जाता है। चिड़िया तैयार हो गई हो? चील चाची ने खाने बना लिए हैं, पार्टी शुरू होने ही वाली है, चलो मेरे साथ। कौवे भैया मैंने घर में बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, बच्चे चील चाची को वहाँ जाकर बहुत तंग करेंगे। आप ऐसा करें चील चाची को मेरे घर ही बुला लाएं, साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे और मेरे बच्चों के आने की खुशी भी मना लेंगे। खिचड़ी का सुनकर कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वापस भागता है। बच्चे उछलने लगते हैं। अब शिकार हमारे जाल में फंसने ही वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बच्चों। मम्मा आप चिंता ना करें, अब चील चाची किसी के भी बच्चों को नहीं खाएगी। चील चाची जल्दी चलो जल्दी, चिड़िया ने हमें अपने ही घर बुला लिया है, तुम वहाँ जाकर खाना चिड़िया के बच्चे और मैं खाऊंगा गरम गरम खिचड़ी। रास्ता साफ है ना? आप चिंता ना करें सब ठीक है। कौवा चील चाची को साथ लेकर चिड़िया के घर आ जाता है। चिड़िया तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। चिड़िया चील चाची तुम्हारे बच्चों को ही तो देखने आई है, कहाँ है तुम्हारे बच्चे? कौवे भैया मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, वो बाहर घर के सामने खेल रहे हैं। जल्दी जाओ और उनको बुला कर लाओ, उनकी चील दादो मिलना चाहती है उनसे। उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। चिड़िया चिड़िया वो खिचड़ी कहाँ रखी हुई है? वो खिचड़ी रसोई में पड़ी है, जाकर खा लो। कौवा रसोई में चला जाता है और चिड़िया घर से बाहर अपने बच्चों को बुलाने चली जाती है। बाहर जाते ही चिड़िया अपने घर के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा लेती है। कौवे कौवे चिड़िया ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी है। कौवा खिड़की से झांक कर देखता है। चिड़िया दरवाजा खोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी तो तुम्हारा दिल और भी घबराएगा, चिंता ना करो, हमें खाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मम्मा लगा दो आग इस घर को, अब हम बूढ़ी चील चाची के घर में जाकर रहेंगे। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर को आग लगा देती है। दोनों बुरे पक्षी आग में जलकर मर जाते हैं। चिड़िया के अकलमंद बच्चे अपनी अकल से अपनी और अपनी मम्मा की जान बचा लेते हैं। ये कहानी सच्ची है। जून का महीना चल रहा था, मेरे घर के आंगन में एक पेड़ था। कुछ दिनों से एक चिड़ा और उसकी पत्नी उस पेड़ के घने पत्तों में आ जा रहे थे। एक दिन मैंने गौर से देखा तो वो चिड़ा और चिड़ी उस पेड़ में अपना घोंसला बना रहे थे। आसपास इंसानों की बस्ती थी, इसलिए पापा चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए तिनके लेना बहुत दूर जाना पड़ता था। मैं और तिनके लेने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ आप ये तिनके लगा कर इन्हें मजबूती से बांध दे। कुछ बड़े पत्ते भी लाना, बारिश का मौसम भी आने वाला है, ऐसा ना हो कि हमारा आने वाला अंडा बारिश में भीग जाए।
फिर पापा चिड़िया चला जाता है। पापा चिड़िया इंसानों की बस्ती से उड़ता हुआ घने जंगल में जाता है और अपनी छोटी सी चोंच से घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे करने लगता है। मेरा काम तो हो गया, जब तक अंडे के पापा आते हैं मैं नदी से पानी पी आती हूँ। दिन गुजरते गए। मम्मा और पापा चिड़िया के काम थे के खत्म होने वाले ही ना थे। वो हर समय काम करते रहते। सुबह से शाम तक वो दोनों एक मिनट के लिए भी आराम ना करते थे। मैंने ऐसा ही देखा था। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में एक छोटा सा अंडा देती है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, मुझे मालूम है। घोंसले में बैठे रहना आसान नहीं, मगर आपको ये करना होगा। और मुझे भी मालूम है कि अब बाहर के सारे काम आपको ही करने हैं। अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने आने वाले बच्चे के लिए। पापा चिड़िया को अब अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना जमा करना था। एक दिन पापा चिड़िया दाना लेने गया हुआ था कि तेज हवा शुरू हो जाती है। वो पेड़ बहुत जोरों से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे चिड़िया का घोंसला अभी गिर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। चिड़िया का घोंसला लटका हुआ था और चिड़िया अपने घोंसले में सहमी हुई बैठी थी। ना जाने ऐसे मौसम में अंडे के पापा किस हाल में होंगे। मेरा घोंसला मजबूत तो है, मगर हवा भी बहुत तेज है। मुझे अपने घोंसले की बहुत चिंता हो रही है। लो, बारिश भी शुरू हो गई। अब थोड़ी देर बाद हवा रुक जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। यार दोदे, मेरे इस पंख में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारा ये पंख तो तेज धूप से टेढ़ा हो गया है, और मैं जानता हूँ ऐसा कब होता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। शायद तुम अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। जब मेरी माँ का पंख तुम्हारे पंख जैसा हुआ था, तो कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। तोते की बात सुनकर पापा चिड़िया घबरा जाता है और फिर उसका ध्यान अपनी पत्नी और अंडे की तरफ जाता है और वो बारिश में ही उड़ता है और अपने घोंसले तक पहुंच जाता है। बारिश भी अब जाकर रुकी है, जब मैं घोंसले में पहुंच गया। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं सोच रही थी कि आप ना जाने कहां होंगे। रानू देखो तो, मेरा ये पंख टेढ़ा है क्या। हाँ थोड़ा सा महसूस तो हो रहा है। फिर तो तोते की बात सच्ची ही होगी। क्या क्या कहा था तोते ने। यही कि मैं अब कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसा दोबारा ना कहना, इतनी बड़ी बात आप इतने आराम से कर रहे हैं। अपने अंडे को तो देखे, अगर हमें कुछ हो गया तो क्या बनेगा हमारे अंडे का। दो दिन बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मामूल से कुछ ज्यादा ही घोंसले में आ जा रहे थे। आप जल्दी जल्दी से कोई नरम फल ले आए, अंडा हिल रहा है, बच्चा अंडे से निकलने ही वाला होगा। तुम ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। पापा चिड़िया के चले जाने के थोड़ी ही देर बाद अंडा फूट जाता है और उस अंडे में से एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा बेटा बाहर निकलता है, जो देखने में बहुत कमजोर था। और अंडे से निकलते ही वो अपनी चोंच ऊपर की तरफ करके चूं-चूं करने लगता है। ना जाने उसे किसने बताया था कि मुझे चोंच ऊपर करने, चूं-चूं करने पर दाना मिलेगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है। वो बार बार दाना डाले जा रही थी। उसका छोटा सा पेड़ था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोपहर के बाद पापा चिड़िया लड़खड़ाता हुआ आता है और उस पेड़ के नीचे तने के साथ लगकर बैठ जाता है। उसके पास एक मीठा फल था। अंडे की मम्मा, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ। चिड़िया उड़ती हुई अपने पति के पास आती है। बधाई हो, हमारे घोंसले में बेटा आया है। ये सुनकर पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर मैं उड़कर अपने घोंसले तक नहीं जा सकता, मेरा ये पंख टूट गया है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। अपने बेटे को देखोगे नहीं, आप कोशिश करें। पापा चिड़िया बार बार कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। आप ये फल ले जाएं और मेरे बेटे को दें। जब मेरा बेटा घोंसले से बाहर निकलेगा तो मैं उसे देख लूंगा। पापा चिड़िया फिर से तने के साथ लगकर ऐसे बैठ जाता है जैसे बेजान हो, और मम्मा चिड़िया मीठा फल ले जाती। लो बेटा, ये मीठा फल खा लो, ये आपके पापा लाए हैं। पापा, मेरे पापा कहाँ हैं? वो नीचे पेड़ के तने के साथ बैठे हैं। उनका पंख टूट गया है, वो यहाँ तक नहीं आ सकते।
मम्मा चिड़िया के काम और भी बढ़ गए थे। मैंने सोचा कि अब मम्मा चिड़िया अकेली दाना लेने कैसे जाएगी, इसलिए मैंने चावल के कुछ दाने पेड़ के तने के पास रख दिए। इंसानों से पक्षी डरते हैं, मगर जब मैंने चावल पेड़ के पास रखे तो पापा चिड़िया को जरा भी डर ना लगा। वो तो यूं ही बैठा हुआ था। अब मम्मा चिड़िया अपने पति पर जरा भी ध्यान ना देती। वो अपने घोंसले से निकलती, चावल का दाना लेती और अपने घोंसले में चली जाती। शायद अब मम्मा चिड़िया के पास समय ही नहीं था। चावल तो वहाँ थे, मगर फिर भी मम्मा चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर दूर जंगल की तरफ जरूर जाती थी। शायद कुछ भोजन उसके बच्चे के लिए जरूरी था, जो वो लेने जाती थी। उसी शाम पापा चिड़िया अपने घोंसले की तरफ देखते देखते मर जाता है, मगर मम्मा चिड़िया फिर भी वहाँ नहीं आती। शायद पक्षी ऐसे ही करते हों। मुझे बहुत हैरानी थी ये देखकर कि मम्मा चिड़िया के काम तो खत्म ही ना होते थे। वो सारा दिन इधर उधर आती जाती रहती थी। और फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया है। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। चिड़िया बेबस पेड़ पर बैठी अपने बच्चे को देखकर चूं चूं किए जा रही थी, मानो वो इंसान से मदद मांग रही हो। मैंने सीढ़ी ली और उस गिरे हुए बच्चे को उठाकर बहुत प्यार से दोबारा घोंसले में रख दिया। बेटा अब कोई शरारत ना करना, अगर दोबारा गिरे तो आप मर जाओगे। मम्मा मेरे सर में चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा के जाते ही कुछ देर बाद वो बच्चा दोबारा गिर जाता है और दूसरी सांस नहीं लेता, वो मर जाता है। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, मगर प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं। मम्मा चिड़िया जब वापस आती है तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। रात हो जाती है और फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि मम्मा चिड़िया पेड़ के तने के साथ उसी जगह लगकर बैठ जाती है जहाँ बैठे बैठे उसका पति मरा था। वो सुबह से शाम तक बैठी रहती है, वो माँ जिसके पास सुबह से शाम तक एक मिनट का भी समय नहीं था। आज उसे कोई काम ना था, वो अपने लिए दाना लेने भी नहीं जाती और वहाँ बैठे बैठे अपनी जान दे देती है। मैंने ये सब देखकर बहुत कुछ सीखा। जिंदगी बहुत छोटी सी है, अपने रिश्तों से प्यार करें, क्या पता कब बिछड़ जाएं।